इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के मिड एयर में रिफ्यूलिंग करने की वीडियो को शेयर करने के बाद ये कॉम्बैट जेट पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट से सुपीरियर होकर उभरा है। मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी इस फाइटर जेट को एनिमी टेरिटरी में डीप स्ट्राइक करने में मदद करेगी और इसके साथ ही ये JF-17 थंडर से ज़्यादा समय तक हवा में रह सकेगा। अभी LCA तेजस के पास 3000 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है और इसके साथ ही इसका कॉम्बैट रेडियस 850 किलोमीटर का है। मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी आ जाने के बाद अब ये ज़्यादा लंबे समय तक एयर कॉम्बैट मिशंस को अंजाम दे सकेगा। और जहां तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात है, तेजस JF-17 थंडर से ज़्यादा केपेबल है क्योंकि इसका कॉम्पोजिट बिल्ट एयर फ्रेम और छोटा साइज इसके स्टेल्थ फीचर्स को बढ़ाता है, जिसके कारण इसे एनिमी रडार्स द्वारा डिटेक्ट किया जाना मुश्किल हो जाता है। इसकी फ्यूजलेज में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसका वेट कम हो जाता है और ये इसे मदद करता है कि ये एनिमी रडार वेव्स को अब्सॉर्ब कर सके और ज़्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी कर सके। LCA तेजस को उड़ान भरने के लिए छोटे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। LCA तेजस को 460 मीटर के रनवे की ज़रूरत पड़ती है और JF-17 को 600 मीटर के रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इसके कारण तेजस का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। तो बात करते हैं कि मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है। मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी की ज़रूरत तब पड़ती है जब जंग के दौरान लंबे समय तक मिशन को अंजाम दिया जाना होता है और एयरक्राफ्ट के लिए नीचे उतरकर रिफ्यूल करना मुमकिन ना हो, तब मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को यूज़ किया जाता है और एयरक्राफ्ट में फ्यूल हवा में ही भरा जाता है। तेजस के मामले में इल्यूशन 78 टैंकर के साथ तेजस में फ्यूल भरा गया। इस रिफ्यूलिंग में प्रोब और ड्रोग रिफ्यूलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। रिसीवर एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस एक रिट्रैक्टेबल प्रोब के साथ इक्विप्ड था, जिसे इस्तेमाल करके टैंकर एयरक्राफ्ट से निकलने वाले एक फ्लेक्सिबल होज की मदद से एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।